पकड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं हम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, होली की धूम मची हुई है सभी के घरों में। तो मेरे घर में भी क्या क्या हम लोग क्या सोचते हैं, कितना क्या क्या बना लेना, जितना हो सके उतना बना लेते हैं, बनाते हैं, क्योंकि खाने वाले भी अब त्यौहार तो त्यौहार होता है ना भाई। तो भैया मेरे यहाँ भी बहुत सारा आइटम बना है। तो ये नमकीन रह गई थी, तो आज अपना शाम को मैंने वीडियो शुरू किया और ये पोहे की नमकीन बना रही थी। तो जो है ना, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो बस पोहे की नमकीन फटाफट बन रही है। मैंने पोहा, अच्छा वाला पोहा लिया, थोड़ा सा धूप, पतला वाला पोहा होता है ना, उसको धूप में रख दिया था छान करके, जिससे क्या होता है बारीक चीज़ें जो नीचे की होती हैं वो साफ़ हो जाए। और ये देखिए, ये तो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है क्योंकि मैं फ़ोन के उसके मैं लगी थी, कोई बात कर रही थी किसी से। और ये देखिए, मक्के का चूड़ा आता है ना, हम लोग तो यही बोलते हैं, बाज़ार में मिलता है, ये नमकीन वगैरह में डाला जाता है, वो मैंने फ्राई कर लिया है। सारे चूड़ा पोहा को भी मैंने अच्छे से भून लिया है फूटने तक का, मतलब अच्छे से बड़ा बड़ा हो जाता है ना फूल करके वो। और इसमें मैं देखिए, ये अच्छे से ये डाल, ये ना खान डाल दो ना, मतलब सारी चीज़ें डालो तो बहुत अच्छा लगता है। नमकीन चाय के साथ ना हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं, मीठा मीठा तो बहुत हो गया है। तो मैंने सोचा था ना, चलो थोड़ा सा नमकीन बना लेते हैं, तो इसीलिए बस यही सब थोड़ा सा पोहा बना ली, क्योंकि पोहा हमारे घर में है, हस्बैंड जी को बहुत पसंद है पोहा की नमकीन, तो ये उसी में डाल दिए हैं भुने हुए पोहे में। ये थोड़े से मखाने हैं, इसको भी रोस्ट कर लिए हैं अच्छे से, मतलब फ्राई कर लिए हैं। अब जो है ना, ये है मूंगफली दाना, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे बढ़िया लाल होने तक। तो हर नमकीन में अपने यहाँ मूंगफली तो ज़रूर डलती है, तभी तो मज़ा आता है ना। और ये सब चीज़ मैं उसमें मिलाती जा रही हूँ। मैंने इसमें मूंगफली जो अब तब अपना अपना तरीका होता है ना, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैंने मूंगफली, मकई का चूड़ा, मखाने, नारियल और ये सब डाल दिया था, तो अच्छा लगता है खाने में। अब नारियल थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे इसको, क्योंकि क्या होता है ना, ये जल जाएगा जल्दी तो कढ़ाई में जाते हैं, तो इसलिए जल्दी बहुत ध्यान से इसको थोड़ा सा लाल लाल हो और बस निकाल ले, बस हो गया। बहुत जल्दी बन जाती है दोस्तों ये नमकीन, और सभी लोग प्रायतर घरों में ये नमकीन ज़रूर बनाते हैं, पोहे की नमकीन, हर दिवाली हो हमारा चाहे होली हो। इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हरी मिर्च बारीक काट करके डाल दिए हैं, इसको भी अच्छे से पक, मतलब अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ी सी इसमें सौंफ भी डाल देते हैं, लेकिन सौंफ मेरे पास है नहीं अभी, मैंने चेक किया तो वही चेक करने गई थी तो सौंफ नहीं था, तो कोई बात नहीं, हम चाट मसाला वगैरह सब डाल देंगे तो अच्छा लगेगा। सौंफ का क्या है ना, ऐसा ही अपना थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, और तो इतना खास ज़रूरी नमकीन में जो भी डाल दो, सब अपना अपना तरीके से अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं। इसमें थोड़ा सा डाल दिया हम हल्दी पाउडर, जिससे थोड़ा सा मेरा कलर बदल जाए पोहे का। और ये सारा जो पोहा था ना, हमने फ्राई किया हुआ था, ये सब कढ़ाई में डाल के बढ़िया से नमक डाल के, देखिए काला नमक, वाइट नमक सब दोनों डाल करके और बढ़िया से मिला लेंगे, और बस फटाफट बन गई हमारी नमकीन। तो मैंने क्या सोचा, शाम को चलो, क्योंकि आज बहुत कल परसों मैंने बहुत सारी आइटम बनाए थे, तो मैंने आज सिर्फ ये देखिए मेरी नमकीन कितनी अच्छी लग रही है ना चाय के साथ। तो बस शाम को ना मैंने लगी हाथ, मैंने सोचा चलो खाना भी बना लिया जाए, क्योंकि शाम का टाइम था। ये उबले हुए आलू, मैंने सोचा क्या बनाए क्या बनाए, तो भैया ये आलू मैं बना रही हूँ जो इतनी लाजवाब आलू बन के तैयार होती है ना, कि आप भैया ये सब्ज़ी खाएंगे ना तो ढाबा उबा बाहर का सब्ज़ी मतलब खाना ही छोड़ देंगे। तो ये उबला हुआ आलू था, उबालते हुए तो हमने नहीं भी खाया, लेकिन ये उबला हुआ आलू है, इसको मैंने थोड़ा सा तेल डाल के बढ़िया से लाल लाल फ्राई कर लिया। आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, बिल्कुल एकदम होटल स्टाइल में बनेगी बिल्कुल। अगर ये सब्ज़ी आप घर में बना खाएंगे ना, तो होटल से जल्दी से लाना भूल ही जाएंगे, सोचेंगे चलो कुछ नहीं है ना, तो हम आलू मटर की सब्ज़ी बनाएं। और इसमें वापस डाल दिया थोड़ा सा सरसों का तेल, क्योंकि नमकीन आलू मैंने थोड़े से ही फ्राई किया था ना, जितना उसमें लगे, तो ये अच्छे से गर्म हो जाए, कढ़ाई में ही गर्म है, फटाक से गर्म हो जाएगा। इसमें डाल देती हूँ जीरा, मैं ये देखिए
जीरा डाल दी हूँ इसमें। नहीं ना फोकस मेरे अकेले से कैसे फोकस होगा, दबाना लगता है, से फोकस हो जाएगा। फोकस हो गया। उसके बाद हम डालेंगे ना ये देखिए, ये कसूरी मेथी मेरे घर की बनी हुई कसूरी मेथी है, इसको क्रश करके हाथ से डाल दिए हैं, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है टमाटर की सब्जी में। और ये मेरा मसाला है, प्याज है और क्या बोलते हैं अदरक है, बस ज़्यादा मत ज़्यादा कुछ नहीं अच्छे से। और इसकी वजह से ग्रेवी में बहुत अच्छी लगती है ये। मसाला तो कुछ खास नहीं है, वही है, लेकिन बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है और बढ़िया एकदम हलवाई स्टाइल में बनती है ना सब्जी। क्या बताऊँ, हमारे यहाँ तो कुछ सब्जी नहीं है, तो इतना पसंद करते हैं ना आलू की सब्जी की, मैं क्या ही बताऊँ। तो ये ना हम अच्छे से इसको भून लेंगे, देखिए बढ़िया से इसको भून लेंगे। देखिए हमारा प्याज वगैरह जो है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, क्योंकि प्याज इसके जो मसाले हैं ना जल्दी से पक जाते हैं, इसलिए नमक हम पहले डाल देते हैं। और डाल दिए हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, जो डेली के मसाले हैं वही हम इसमें डाल दिए हैं। तब भी देखिएगा कितना अच्छा सा कलर आया है हमारा। टमाटर भी इसमें ग्रेवी में डाला है, टमाटर प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था, तो वही है सब मसाले मेरे भून रहे हैं। ये सब्जी इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी लग रही थी ना खाने में कि मैं क्या ही बताऊँ। जब बन करके रेडी हुई ना, तो मतलब थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही बना लिया था, और सुबह बच्चों में लड़ाई हो गई कि मेरे को खाना है मेरे को खाना है, मतलब बच गई थी थोड़ी सी सब्जी। तो देखिए मेरा मसाला कितना बढ़िया से भुन गया है ना, एकदम मस्त लाल लाल दिख रहा है। इसमें मैंने कोई अलग से कलर के लिए कोई भी कश्मीरी मिर्च वगैरह नहीं डाली, देखा है आप लोगों ने। तो बस इसमें मेरा फ्राई किया हुआ आलू और मटर चला जाएगा बढ़िया, इसको भी अच्छे से भुनाई कर देंगे। मसाले का भुनने का तरीका, मसाले कब कैसे डालने हैं, बस इसका ही थोड़ा सा अगर पीछे हो जाता है तो सब्जी का फ्लेवर कलर स्वाद सब कुछ बदल जाता है, तो बस वही है। तो दोस्तों जो आप लोग मेरी वीडियो, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और जो दोस्त मेरे नए आए हैं इस वीडियो में, वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है कि नहीं। तो देखिए मेरी ना, मेरे को मंदिर भी जाना है, तो मैं फटाफट लगी हूँ काम में, शाम से लगी हूँ। किचन की सफाई हो गई है, खाना बन गया है और बर्तन लगाने हैं, तो मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ मंदिर। हमारे यहाँ मंदिर में डेली मतलब हर सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ होता है, तो हम जा रहे हैं मंदिर। और सारे काम हो गया सुबह से, बहुत भागा दौड़ी थी, तो बस आकर के मिलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे मंदिर जाते हुए, मतलब मंदिर में आज लेट ही हो गए हैं हम, चालू हो गया होगा वहाँ 7:30 का टाइम होता है, तो चलते हैं हम मंदिर। टाइम भी हो गया ना, चालू हो गया होगा, के जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं हम। शॉर्टकट से जा रहे हम, तो बहुत ही खराब है, एकदम पथरीला रास्ता है। मैं हर सैटरडे को आती हूँ मंदिर, लेकिन अभी थोड़े दिन में नहीं आ पाई थी, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आऊँ, मैं ज़रूर आऊँ। और ये मंदिर हमारा बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है दोस्तों। मंदिर आसपास हमारे कोई हो तो ज़रूर आइए इस मंदिर के दर्शन करने। दोस्तों मंदिर से आ गए हैं, अब चलते हैं खाना खाने के लिए। आप लोग भी आइए हमारे साथ आलू टमाटर की सब्जी खाने। एकदम बहुत अच्छा बना है, एकदम बहुत टेस्टी है। होटल बाजार की सब्जी खाना भूल जाएंगे आप, एक बार ऐसा सब्जी बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगा है।